हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है साबूदाना वड़ा। जैसे कि नवरात्रि चल रही है, जब भी कोई मौका होता है फास्टिंग का या फिर किसी भी मौके पर हम साबूदाना वड़ा बना सकते हैं, पर स्पेशली हम लोग व्रत के टाइम पे ज़्यादातर साबूदाना वड़ा बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबूदाना वड़ा बनाते वक्त क्या होती है कि जैसे ही मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते सुना है लोगों को कि यार साबूदाना वड़ा जैसे ही बनाया, ऑयल में डाला, फट गया और उसके अंदर बहुत सारा तेल भर गया। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आज मैं ये वीडियो आई हूँ कि किस तरीके से साबूदाना वड़ा बनाएं कि वो फटे ना, ताकि आप जो एक पहले से इमेजिन करके बैठे हैं कि साबूदाना वड़ा खाने वाले हैं और फट के पूरा तेल भी बर्बाद हो जाता है, तो वो ना हो। तो आज मैं प्रॉपर सही तरीका बताऊंगी और आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप साबूदाना वड़ा को फटने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसे भिगाने का तरीका बता देती हूँ साबूदाने को। ये है मेरे पास साबूदाना और मैं इसे पहले दो तीन पानी से वॉश कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा वॉश कर लेंगे इसे दो तीन बार। ताकि इसका जो ये वाइट निकलता है, वो स्टार्च होता है, वो थोड़ा सा निकल जाए। और ये देखिए, मैंने इसमें पानी इतना ही डाला है कि ये सारा जो साबूदाना है ये इसमें कवर हो जाए। बिल्कुल भी इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना ही पानी डाल के रखना है कि ये कवर हो जाए। पूरे साबूदाना पानी के अंदर कवर हो गया है। अब मैं इसे ढक के कम दो घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन दो घंटे के लिए रख। तो चलिए, दो घंटे बाद हम देख लेते हैं। ये देखिए, परफेक्ट, एकदम खिले खिले, एकदम इस तरीके से आप चाहे खिचड़ी बनाएं, वड़ा बनाएं, ये देखिए एकदम खिले खिले और बहुत अच्छे से। अच्छा, हम इसे कैसे चेक करेंगे मैं बताती हूँ। ये देखिए, मतलब ये ऐसे दब रहा है उंगली के बीच में, यानी कि ये बहुत अच्छे से भीग चुका है। ना तो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है और ना ही इसमें, ये बहुत ड्राई है और ना ही कुछ, एकदम बहुत अच्छे से भीग चुका है। ये देखिए, आप इस तरीके से दबा के दोनों उंगलियों के बीच में इसे देख लीजिए। और इसी तरीके से होगा तो ही नहीं फटेगा। अगर आपने इसमें बहुत सारा पानी भर दिया तो ये गीला रह जाएगा, जिसकी वजह से साबूदाना वड़ा बहुत ईजिली फटने के चांसेस हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं इसमें लेती हूँ ये साबूदाना सबसे पहले, और मैं इसमें लूँगी आलू दो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आलू बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए, बल्कि आलू बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, आलू कम डालनी है। आप अगर ज़्यादा आलू डालेंगे तो भी फटने के चांसेस हैं। तो चलिए, मैं तीन आलू डाल देती हूँ इतने साबूदाने के लिए। ज़ीरा एक चम्मच, ये हरी धनिया है धो के काट लिए मैंने, ये सारी चीज़ें वही हैं जो व्रत में खाई जाती हैं। अदरक ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्ची, नमक, सेंधा नमक खाते हैं व्रत में, सेंधा नमक, जितना भी आपको नमक चाहिए वो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अब हम इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को ऐसे मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा क्रंच अच्छा आए तो उसके लिए हम ये डाल देंगे भुने हुए मूंगफली के दाने। कई लोग पीस के भी डालते हैं, पर मुझे ऐसे डालना अच्छा लगता है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए, इसके ड्राइनेस से ही पता चल रहा है कि जैसे सूखा है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये फटने वाला नहीं है। और साथ ही मैं आपको और एक दो टिप बताऊँगी, अगर किसी रीज़न से ड्राई हो गया, थोड़ा गीला हो गया है, तो उसे कैसे फटने से बचाएँ। और अब हम इन्हें देंगे टिक्कियों का शेप। वड़ा छोटे बड़े आपको जैसे चाहिए आप उनको शेप दे दीजिए, इस तरह से गोल गोल टिक्की टाइप। ये देखिए, बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल सही, ये बिल्कुल फटने वाले नहीं हैं।
तो ये हमारे वड़े तैयार हो गए हैं बना के, और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इनको आज डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये ऑयल है मैंने गरम कर लिया है, और अब मीडियम गरम करना है ऑयल को, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। और अब हम इसमें अपने वड़ों को इस तरीके से डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, ये एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं साबूदाना वड़ा हमारे, और अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे बन गए हैं, इतना अच्छा कलर आया है देखिए। इसी तरीके से हम अपने सारे वड़ों को फ्राई कर लेंगे, इनको भी डाल देंगे। और जब तक ये एक साइड से पकेंगे नहीं, इनको पलटना बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी नहीं करिएगा पलटने के लिए।